हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ हैप्पीनेस। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़िंदगी मज़े ले रहे होंगे। आपको भी कभी कभी आलस आता है? मुझे कई बार आता है, और उस समय कुछ ना बनाने का मन नहीं करता और पर खाने का बहुत मन कर रहा होता है। तो आज हम उसी चीज़ को जस्टिफाई या एड्रेस करते हुए चीज़ बनाएंगे। हम बनाएंगे प्याज पनीर का पराठा। इसमें भी एक ट्विस्ट है और ये झटपट बन जाएगा, और जब आपको आलस आए बनाओ इसको, हेल्दी भी है, फुलफिलिंग भी है और मस्त भी है। इसके लिए हमें चाहिए आटा, घिसा हुआ पनीर, चॉप करा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई मिर्ची, हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया। मसालों में चाहिए हमें अमचूर और गरम मसाला और जीरा पाउडर और पानी। बस बन जाएगा। हमने आटा उटा नहीं गूंढना हो, आटा गूंढने में तो बहुत टाइम लगता है और आलस जब आ रखा हो तो आटा कौन गूंढेगा। तो हम इसे ऐसे स्लरी बनाएंगे। तो हम एक बाउल में लेंगे आटा, 10 प्लेन आटा। इसमें डालेंगे हम पनीर घिसा हुआ, कटा हुआ प्याज। अब आप कहोगे इतनी हरी मेहनत तो करनी पड़ रही है, प्याज भी काटना पड़ रहा है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें अगर आपको प्याज नहीं खाना तो प्याज स्किप कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट स्किप कर सकते हैं, तो मॉडिफाइड एबल है। थोड़ा सा इसको रफ कर लेंगे, इसको मिक्स। और डालेंगे पानी, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। और एक बार इसकी आदत लग गई तो आप गोंदे के आटे से कभी भी चीज़ें नहीं खाएंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी, रनिंग बटर बेसिकली। एक पैन में लेंगे हम, जलाएंगे आग और लगा देंगे भी। थोड़ा डालेंगे तेल, बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। आई रिपीट माई वर्ड्स, बहुत मस्त होने वाला है। तेल हो गया गरम और डालेंगे बैटर। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बिल्कुल इतनी मोटाई कि आपको लगे कि पराठा खा रहे हो बस। और लिड लगा के कर देंगे कवर इसको। और वेट करते हैं मैजिक होने का। इतने ये पक रहा है, आपको मैं पकाता हूँ अपने एक शेर के साथ। शेर आया वाला शेर। डरपोक हैं वो लोग जो प्यार नहीं करते, अर्ज किया है। डरपोक है लोग, टेक टू। ये 2-3 बार लगे थे इसको याद करने में, थोड़ा टाइम लगेगा बोलने के लिए भी। अर्ज किया है, डरपोक हैं वो लोग जो प्यार नहीं करते, डरपोक हैं वो लोग जो प्यार नहीं करते,
बर्बाद होने के लिए भी हौसला चाहिए है ना, मस्त समझ तो आ गया होगा आपको दो मिनट और हमारा परांठा बनकर तैयार। इसको खाएं अचार के साथ या हरी चटनी के साथ, बटर भी यूज़ कर सकते हैं बट चटनी से खाएंगे तो आपको यमी लगेगा। चैनल पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर वो नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो शेयर करूँ आपके साथ। लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ और कमेंट सेक्शन लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रखें। यह है तैयार हमारा पराठा अल्टीमेट खुशबू जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट, लुक एट दिस है ना मस्त। करते हैं बंद और करते हैं टेस्टिंग। क्या सेक्सी लग रहा है ना, दिख रहा है आपको है ना मस्त। हरी चटनी हो साथ में और ओए होए होए होए, इसको कोई खा लोगे ना आप ये नहीं कह सकते कि आपने आटा गूंद के बनाया है ये ऐसे बनाया है, इतना क्रिस्पी बना है ये और मस्त फ्लेवर का बम फूट रहे हैं बम। और बनाना ज़रूर इसको और बताना ज़रूर कि बनाया तो कैसा लगा आपको, और आशा करता हूँ कि आपको ये मस्त लगा होगा। और ऐसे ऐसे मिनिशा मिलते हैं नए वीडियो में।